नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस और ज्यादा हाईटेक होने जा रही है, जिसके चलते अलग अलग स्थानों को 8 पीसीआर वैन गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि अपराधियों के प्रति की जा रही कार्यवाही को और तेजी से अंजाम दिया जा सके और अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। साथ ही जिन थाने और पुलिस चौकियों में वाहन नहीं है या फिर उनकी पीसीआर वैन मानकों के अनुरूप है, उनको भी हाईटेक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर आज पुलिस लाइन पहुंची और औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गार्ड कमांडर को भी उचित व्यवस्था रखने के चलते शाबाशी के साथ ही नाम की भी दिया गया। जैसे जैसे अपराधी हाईटेक वाहनों का इस्तेमाल कर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी अपराधियों के प्रति और तेजी से कार्रवाई करने के लिए 8 थानों को नई पीसीआर वैन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जिन थानों में मानकों के अनुरूप पुलिस के वाहन चल रहे हैं, उनको भी जल्द बदला जाएगा। इसके साथ ही जिन पुलिस चौकियों पर पुलिस कर्मियों के पास वाहन नहीं है, उन चौकियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें भी जल्द पुलिस के वाहन उपलब्ध कराए जा सके और अपराधियों के प्रति चल रहे धरपकड़ अभियान में और तेजी लाई जा सके। आज पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण सिंह अचानक से पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस लाइन के निरीक्षण किया। इस दौरान गार्ड कमांडर को इनाम भी दिया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस को हाईटेक करने के लिए जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे। नोएडा से एसोसिएट एडिटर आहिर सैफी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 8 गाड़ियाँ प्राप्त हुई थी मुख्यालय से, और इनमें जितने भी रजिस्ट्रेशन और अन्य फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करा के आज इन 8 थानों में इन गाड़ियों को रिप्लेस किया गया है, दिया गया है। जितनी भी हमारी बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनके माइलेज पूरे हो चुके हैं, हमारी कोशिश है कि फेस बार उन सबको नई गाड़ियों से रिप्लेस कर दिया जाए। अभी भी कुछ वाहनों की कमी महसूस की जा रही है, और हमारा प्रयास रहेगा डीजी हेडक्वार्टर से समन्वय स्थापित करते हुए यहाँ की मांग को पूरा करना, इसकी पूर्ति करें।